बुलेट ले रहा हूँ वो ऑनलाइन प्रोसेस से ले रहा हूँ, और डिफेंस में को देखते हुए काफी सारे रूल्स में चेंज कर दिया है 2021। हेलो टू एवरीवन, तो भाई लोग मैं होप करता हूँ आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और ब्लॉग विद जैट की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि जरूरी होते हैं जब आप CSDA से कोई कार एंड बाइक परचेस करते हो। तब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो कौन कौन है जो CSDA से कार एंड बाइक परचेस करते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे वहां से जाकर देख सकते हो। आई नो ने सबका दिमाग खराब कर रखा है, तो आज ब्लॉग विद जैट आपके सामने आया है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने, मूड को लाइट करने। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वेट स्किप नहीं करना है, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना। एक कमेंट जरूर छोड़ना ये वीडियो कैसी लगी लास्ट में। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। हाँ तो भाई लोग, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो मैंने अपनी बलेनो है वो ऑफलाइन प्रोसेस से ली थी और जो मैं बुलेट ले रहा हूँ वो ऑनलाइन प्रोसेस से ले रहा हूँ, और डिफेंस ने कोविड को देखते हुए काफी सारे रूल्स में चेंज कर दिया है। 2021 से आपको ऑनलाइन ही सारे फॉर्म फिल करने हैं और ये काफी ज्यादा ईजी है और काफी ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, सभी के लिए जो भी डिफेंस से रिलेटेड है। और बाकी अगर बात करें ऑफलाइन प्रोसेस की, भाई वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ जाते थे। भाई जो डिफेंस है ना वो काफी अच्छा काम कर रही है, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आ रही है। भाई लोग हम कहां पर थे, हम थे सारे डॉक्यूमेंट्स पर कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी हो। हाँ तो भाई लोग बात करें उन चार डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, दूसरा हमारा आता है सर्विंग सर्टिफिकेट, तीसरा कैंटीन कार्ड और चौथा हमारा आता है पैन कार्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट की। तो भाई जिस शोरूम से आप गाड़ी पसंद करोगे, कलर चूज करोगे, वही शोरूम आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। और जो भी आप गाड़ी पसंद करो भाई, वो चेक कर लेना वो आपकी पे स्लिप में आती है नहीं, मतलब पे स्केल में आती है या नहीं। नहीं आती होगी तो फिर तो क्या ही फायदा है। और अगर मैं आपको दो चीज जरूरी बताऊं तो आप सबसे पहला मेन काम ये चेक करना कि जिस शोरूम से आप गाड़ी ले रहे हो वो कैंटीन की लिस्ट में है या नहीं। उसके लिए आपको नॉर्मली किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लेना है कि आप रजिस्टर हो CSDA में या नहीं। और अगर मैं दूसरी चीज बताऊं आपको, वो ये है कि सब इन्फॉर्मेशन चेक लेना, कितना आपको प्राइस देना है इंश्योरेंस का, रूट साइड का, उसके बाद ही आयकर प्रोसेस आप फॉलो करना। और एक जो मेन चीज है, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप गाड़ी चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहोगे हम बाद में दूसरी गाड़ी ले लें तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर आपको जो शायद जो भी बात करनी हो वैसे नॉर्मली चीज पॉसिबल नहीं। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, वो है भाई हमारा सर्विंग सर्टिफिकेट। बेसिकली अगर देखा जाए तो सर्विंग सर्टिफिकेट आपको आपकी यूनिट से आराम से मिल जाएगा। ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स को जरूरत पड़ती है सर्विंग सर्टिफिकेट की, और रिटायर ऑफिसर्स के लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। अगर आप चाहो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा। और इस सर्विंग सर्टिफिकेट का काम क्या है भाई, सर्विंग सर्टिफिकेट कैंटीन को इंश्योर करता है कि आप जो है वो ऑन ड्यूटी ऑफिसर है या है आप रिटायर्ड ऑफिसर, तो इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अब चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की साइड। भाई लोग जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कैंटीन कार्ड मस्ट है, बिना कैंटीन कार्ड के आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो किसी भी व्हीकल के लिए। और अगर आप डिफेंस से हो तो मैं समझ सकता हूँ कैंटीन कार्ड तो आपके पास होगा ही होगा, इसी नंबर के साथ, इसी कैंटीन कार्ड के नंबर के साथ या ग्रोसरी कार्ड के नंबर के साथ ही आप अप्लाई कर सकते हो, समझ रहे हो ना, मैं कैंटीन कार्ड की ही बात कर रहा हूँ। अब चलते हैं हमारे तीसरे जो कि है मेन पॉइंट, वो है हमारा पैन कार्ड। बेसिकली पैन कार्ड तो सबके पास ही होगा, और जो आपका पैन कार्ड है आप ही के नंबर से गाड़ी उठेगी, तो पैन कार्ड तो आपका होना जरूरी है। और एक चाहिए होगी फोटो, उस फोटो को मैं बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन प्रोसेस में कैसे करना है चीजें। अगर आपको उसकी वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तभी तो भाई मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊंगा, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो हमने भाई चारों चीजों के बारे में बात कर ली, वो है हमारा पहला अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, दूसरा था हमारा सर्विंग सर्टिफिकेट, तीसरा था हमारा कैंटीन कार्ड, और चौथा है भाई हमारा पैन कार्ड। पैन कार्ड उसी इंसान का होना चाहिए जिसके नाम से गाड़ी निकल रही है, और वो कौन होगा, जो डिफेंस पर्सनल होगा जो कि सर्व कर रहा है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। हाँ जी, ब्लॉग विद जैट की मेरी ऑडियंस, तब तक इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जमा कर लीजिए, इकट्ठे कर लीजिए, जैसे जैसे भी आपको चाहिए। अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरा प्रोसेस कैसे ऑनलाइन फिल करना है बिना किसी गलती के। भाई अगर मैं साथ हूं ना तो कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए इन सबके बारे में, बस थोड़ा सा संभल के रहिए, आराम से सारे काम कीजिए, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ख्याल रखिए अपना,
थैंक यू सो मच।